हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रॉन के ऊपर। सो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको जूलॉजी में प्रॉन के ऊपर नोट्स लिखने को आएगा। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर फाइलम आर्थ्रोपोडा का हेडिंग देंगे एंड उसके बाद हम प्रॉन हेडिंग करेंगे एंड उसके बाद हम 1, 2, 3 करके या पॉइंट वाइज भी इसके बारे में नोट्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ माई हैंड रिटन नोट्स, ये मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में। चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। चलिए, फर्स्ट लाइन है इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि थ्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन कौन से, सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन। सेलुलर किस में होता है, अमीबा, पैरामीशियम एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि सिलेंट्रेटा वाले में टिश्यू लेवल ऑफ होता है, और ऑर्गन लेवल जैसे कि हम खुद हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रॉन में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ऑर्गन्स उसमें डेवलप होते हैं। सेकेंड पॉइंट है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि प्रॉन को कट कैसे करेंगे हम बाइलेटरली। जब मैं फिगर डिस्कस करूँगी तो आपको बताऊँगी कैसे बाइलेटरल सिमेट्री होता है। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट है उसका अपेंडेजेस आर ज्वाइंटेड। अपेंडेजेस क्या होती हैं, बॉडी सेगमेंट्स लाइक ही होती हैं, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्रॉन का सही से डायग्राम तो मुझसे नहीं बन पाएगा, बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये इसको हम अपेंडिजेस बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये ऐसे बॉडी से थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, उसे ही हम अपेंडिजेस, मतलब खींचा हुआ पार्ट होता है, जैसे कि हैंड हो गया, इंसेक्ट्स में हैंड, लेग्स, ये सब अलग टाइप में होते हैं, मतलब सिगमेंट्स उनको हम तोड़ सकते हैं। इसे हम अपेंडिजेस कहते हैं। अपेंडिजेस जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ चाइटिन। जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी कि प्रॉन के बाहरी का पार्ट लेयर, वो किससे मिलके बनाता है, एक्सोस्केलेटन से। और एक्सोस्केलेटन किस चीज़ से होता है, चाइटिन। चाइटिन आपने पढ़ा होगा, इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड, और ये चींटियाँ में भी ये चाइटिन की लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय ट्रेकिया। रेस्पायरेशन किससे होता है, ट्रेकिया की मदद से होता है इसमें रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सिफेलोथोरेक्स, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हेड एंड थॉरेक्स। इसमें सिफेलोथोरेक्स का मतलब क्या होगा, जैसे ये हमारा हो गया प्रॉन का हेड, सिफेलो मीन्स होता है हेड और थॉरेक्स मीन्स होता है नेक रीजन, ठीक है। हेड और उसके नेक रीजन में हम कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस एकदम होता ही नहीं है, बिकॉज वो सिफेलोथॉरक्स दोनों एकदम आपस में चिपके हुए होते हैं। इसलिए हम इसे सिफेलोथॉरक्स कहते हैं। देख सकते हो, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हेड एंड थॉरक्स, और थॉरक्स किससे कहते हैं, हम नेक रीजन में। आप स्क्रीन शॉट इस पार्ट का ले लो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रू सिलोम इज़ फाउंड। हमें पता है सिलोम क्या होता है, इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम सिलोम कहते हैं। इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड, इसमें किस टाइप की मसल्स होती हैं, आपको पता होगा 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। अनस्ट्रेटेड जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती है, स्ट्रेटेड जो कंट्रोल में होती हैं, और कार्डियक जैसे कि हार्ट और ब्रेन की जो मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। इसमें स्ट्रेटेड मसल्स होती है जो कि उनके कंट्रोल में होती है, जैसे स्केलेटल मसल भी आपकी स्ट्रेटेड मसल है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक का सारा पार्ट उसमें पाया जाता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जब कंप्लीट होगा तो कौन कौन सा पार्ट पाया जाएगा, माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सारा पार्ट
अब पॉइंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब होगा, सॉरी ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ, जो ब्लड का फ्लो है बॉडी में वो बिना किसी ब्लड वेजल्स के, सॉरी ब्लड इसमें पाया ही नहीं जाएगा, ब्लड की जगह पे हेमोटाइप करके कुछ पाया जाता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा, एब्सेंस ऑफ ब्लड हर्ट एंड ब्लड वेजल्स, यानी कि ब्लड भी एब्सेंट होगा, हर्ट भी एब्सेंट होगा एंड ब्लड वेजल्स जो बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड को फ्लो ब्लड का फ्लो करवाएंगी वो भी एब्सेंट होगा। सो ये सिस्टम कैसे होगा, देखिए जैसे कि हमें पता है ये ट्यूबवेल है, सो इसको हम हर्ट मान लेंगे, ठीक है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से ये आपका यहाँ पे हमने ये हमारा ब्लड वेजल्स हो गया, यानी ये पाइप हो गया, दिस इज़ पाइप, दिस इज़ ट्यूबवेल, एंड पाइप में क्या भरा होगा, वाटर, पानी, और इसी से फ्लो होगा कहाँ पे, वो खेतों में जाएगा पानी। वैसे ही हमारी बॉडी में भी हर्ट से ब्लड की पंपिंग होगी, वो ब्लड वेजल्स में आएगा ब्लड, और ब्लड वेजल्स से बॉडी के सारे पार्ट्स में एंटर करेगा लाइक दिस। सो ऐसे ही जब ओपन टाइप होगा तो ये सारी चीज़ें एब्सेंट होगी, क्लोज्ड टाइप होगा तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी, जस्ट लाइक ट्यूबवेल का एग्जांपल मैंने दिया वैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय ग्रीन ग्लैंड्स। सो जो अनडाइजेस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो किससे बाहर आती हैं, ग्रीन ग्लैंड से। सो इसमें ग्रीन ग्लैंड पाया जाएगा या फिर मालफीगियन ट्यूबल्स भी होता है, उसकी मदद से ये अपने एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन है वो उसमें मदद करेगा। अब पॉइंट है आपका सेंसरी ऑर्गन एंटीना। सो जब मैंने हेड बनाया था, सॉरी जब मैंने हेड बनाया था तो वहाँ पे मैंने एक ऐसे करके कुछ बनाया था हेड के सामने। सो सेंसरी ऑर्गन, इसी को हम एंटीना कहते हैं। दिस इज़ अ रोस्ट्रम, ये रोस्ट्रम भी इसको हम बोलते हैं जो डिफेंस में हेल्प करता है, रोस्ट्रम, और इसे हम एंटीना भी कह सकते हैं। सो ये सेंसरी ऑर्गन है, कैसे ये मदद करेगा, जैसे कि एंटीना मतलब कि जैसे हमें पता होता है कि हमारे में सेंसरी ऑर्गन कौन सा कौन से है, 5, जैसे हमें कोई टच करेगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर हमारे सामने सड़ा हुआ खाना भी रख दिया जाए तो हम नाक से सूंघ करके बता सकते हैं, वैसे ही एंटीना से इसको पता चल जाएगा कि इसका कौन सा दुश्मन कहाँ पे है, अगर सामने से दुश्मन आ रहा है तो वो सेंसरी ऑर्गन यानी एंटीना की मदद से कि पहचान जाएगा और वहाँ से साइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड आई। इसमें कंपाउंड आई पाई जाती है और स्टाक होती है, आई जो होती है स्टाक होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड मतलब इसमें देख सकते हो कितने सारे पार्ट्स पाए जाएंगे, ये अलग अलग पार्ट्स होंगे कंपाउंड आई में, अलग अलग पार्ट्स होंगे और ये जो आपका पार्ट होगा ये अलग इमेज बनाएगा, इमेज का आधा पार्ट ये अलग पार्ट बनाएगा, ये आपको कुछ और दिखाएगी, ये कुछ और दिखाएगा, ये कुछ और दिखाएगा। सो इस टाइप की कंपाउंड आई इसमें पाई जाएगी, हमारे में सिंपल आई पाई जाती है हम लोगों के अंदर, और इसमें कंपाउंड आई पाई जाएगी, यानी हर पार्ट अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन करेगा, अलग अलग पार्ट इमेज का पार्ट्स दिखाएंगे ये सारे पार्ट्स। एंड स्टाक, स्टाक के बारे में क्या होता है स्टाक, सो स्टाक मतलब ये ऐसे करके लगा होता है, जब आप इसकी आँख को निकालोगे, जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे इसकी आँख को निकालोगे तो ये स्टाक टाइप में होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है, इसको आप ऐसे करके खींच सकते हो, ठीक है, खींच सकते हो इसको। अब ये दिया है, नेक्स्ट पॉइंट है डायोसिस। डायोसिस मतलब होता है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल वाला जो मेल होगा वो अलग होगा और जो फीमेल होगी वो भी अलग होगी। अब पॉइंट है आपका दिस इज़ ओमनीवोरस, मींस ये दोनों ही खाएगा, कीड़े मकोड़े भी खाएगी और ये सड़ी गड़ी चीज़ें पत्तियाँ वत्तियाँ भी खाती है। सो मोस्टली फीड डिकेइंग लीव्स, ये ज़्यादातर पत्तियाँ ही खाती है सड़ी गली,
क्योंकि जैसे ये पॉन्ड्स लेक्स वगैरह में पाई जाती है नदियों में, सो उसके किनारे जो पौधे होंगे उनसे पत्तियाँ गिरेंगी, वो सड़ेंगी भी, जाहिर सी बात है वो कुछ दिन बाद सड़ जाएंगे, सो ये जाके उनको फीड कर लेते हैं। अपेंडिजेस 19 पेयर होते हैं, मैंने आपको बताया अपेंडिजेस क्या होते हैं, बॉडी के जो सिगमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कई सिगमेंट्स से बन के मिलके बॉडी बनी होती है, सो इसे हम अपेंडिजेस कहते हैं, जो आपस में क्लोज्ड होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, इसे हम अपेंडिजेस बोलते हैं। सो वो 19 पेयर होता है, जिसमें कि थोरैक्सिक कितना होता है, 8 पेयर होता है, प्लियोपॉड्स कितना होता है, 5 पेयर्स होता है, और एब्डोमेन 6 पेयर। थोरैसिक क्या है, मैंने बताया नेक रीजन, सॉरी एक मिनट, मैंने बताया था आपको कि जो थोरेसिक होता है वो नेक रीजन में हो पाया जाता है, यानी कि इसकी नेक और हेड में हम डिफरेंस नहीं कर सकते। सो थोरेसिक जो होता है वो 8 पेयर होता है, यानी एकदम चिपका हुआ ही रहता है, लेकिन 8 पेयर होता है, 8 पेयर करके। ठीक, अब है प्लियोपॉड्स। प्लियोपॉड्स क्या होते हैं, प्लियोपॉड्स इसके लेग टाइप में ही होती हैं, ये स्विमिंग में हेल्प करती हैं, और प्लियोपॉड्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्विमेटर्स। ठीक है, स्विम रेट्स के नाम से इसको हम जानते हैं, एक और नाम आप नोट कर लीजिए, स्विम रेट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये स्विमिंग में हेल्प करता है। ये कितने पेयर होता है, 5 पेयर। सो मैं जब लास्ट में इमेज डिस्कस करूँगी तो दिखाऊँगी प्लियोपॉड्स होता कैसा। एब्डोमेन यानी कि थोरेसिक और प्लियोपॉड्स के बीच का जो पार्ट होता है, सॉरी थोरेसिक और जो टेल के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, और एब्डोमेन कितने पेयर होता है, 5 6 पेयर। सो ये हो गया हमारा माउथ, एंड बीच में 6 पेयर ये पाया जाता है। ठीक है, एकदम चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ एक दूसरे से। नेक्स्ट है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग इट इज़ एन इनहेरेंट हैबिट इन विच ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज कैस्ट ऑफ एंड ए न्यू वन इज़ फॉर्म्ड। सो मॉल्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, अगर हम एकदम आसान भाषा में समझें तो हमें पता होता है कि जो सांप वगैरह होते हैं वो अपने कैंचुल को, जब वो कैंचुल पुरानी हो जाती है तो वो उसे छोड़ देते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं, आपने देखा होगा। सो यही प्रोसेस एकदम इसमें भी होती है, जब इसकी एक्सोस्केलेटन ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, वो उसे बाहर छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है, और एक न्यू स्केलेटन एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन हो जाती है फिर से। सो मॉल्टिंग प्रोसेस स्नेक में भी होती है, सिल्क वॉर्म में भी होती है। सिल्क वॉर्म की जब आपने देखा होगा, वो क्या करता है, अपना ऊपर का जो पार्ट होता है उसको निकाल करके उसके बाद बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे पाना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो भी नोट्स पे ही होगा, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आप चाहते हो वो मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइज, थैंक यू।